बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक है। रियाद है बी एंड जी की ऑनलाइन ग्राफिक में आपको कुछ हम देख सकते हैं। तो इसमें हम लोगों ने अब स्टार्ट किया है, कोर्सेज हम स्टार्ट करवा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो लोगों को मतलब पता हैं और लेकिन उसको परफॉर्म करने का उस तरीके से नहीं उनको पता कि हमने इसको कैसे इन्फॉर्म इसको परफॉर्म करना है। तो अब हम इसमें जो भी काम लेके आ रहे हैं कोर्सेज, वो हम बहुत ही डीपली उसको लेके आ रहे हैं और उसको अच्छे तरीके से हम आपको बताएंगे कि इसका क्या फंक्शन है, क्या टूल्स क्या हैं, हम इसको आपको बेसिक स्किल्स हैं वो आपको बताएंगे, बेसिक नॉलेज बताएंगे। अब इसके अंदर हम स्टार्ट कर रहे हैं इन पेज। इन पेज में क्या चीज़ होती है? इन पेज में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये हमें पता होना चाहिए कि इसका मकसद क्या, यूज़ क्या है। ठीक है, जो इन पेज का यूज़ है ये बेसिकली एक डॉक्यूमेंट बनाने में काम आता है, जो उर्दू में डॉक्यूमेंट बनते हैं। ठीक है, इन पेज में फिर हम अरबिक भी लिख सकते हैं, उसके बाद उर्दू भी लिख सकते हैं, यानी कि वो लैंग्वेजेस जो हमारे अल्फ़ाबेट्स के साथ हैं, जो न्यूमेरिक वर्ड्स हैं अल्फ़ाबेट से उसके साथ हम मतलब मैच होती हैं। हरूफ तहजी हो गया, ठीक है, अल्फाज हो गए, उर्दू के रिलेटेड जो भी डाटा आपने लिखना होता है वो हम इन पेज में आसानी के साथ लिख सकते हैं। ठीक हो गया। अब उसके बाद दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है कि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम हर तरह का डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, इंग्लिश भी लिख सकते हैं, उर्दू भी लिख सकते हैं। इसका जो मेन पर्पज़ होता है वो ये चीज़ होती है कि ये हम एक जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते हैं पेपर बनाने के काम आते हैं, स्कूल पेपर्स, उसके बाद ऑफिस के, उसके बाद कोई लेटर इशू करना हो। ठीक है, यानी कि इन पेज के मुतलका जितना भी उर्दू के मुतलका डाटा है आप इन पेज के अंदर आसानी से लिख सकते हैं। इसके अंदर हम टेबल बना सकते हैं, इसमें हम अपनी पिक्चर्स को भी डिफाइन कर सकते हैं, इसमें बेशुमार काम फंक्शन होते हैं। ये इंशाल्लाह हम फिर जब लेक्चर टू लेक्चर चलेंगे तो हम उसमें इसको करेंगे। ओके जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।